सारा रियल है। कितना क्यूट डॉग लग रहा है ये। अच्छा रॉक डॉग है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रतिनिधान दिल्ली के IIPTR को कवर करने, जो 13 मेगा इंटरनेशनल एग्जीबिशन है यहाँ पे। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं हॉल नंबर 7 है, यहाँ पे लगा है एप्पल जी। यहाँ पे बहुत सारे एम्बेरस डिस्प्ले होंगे एंड और कैट्स एंड डॉग्स लेके आए हैं। और यहाँ काफ़ी सारे कंपनी जब स्टॉल लगा रखा है अपने आइटम को शोकेस करने के लिए एंड वीडियो को बढ़ा लेते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं यहाँ से देखते हैं हॉल नंबर 7। तो ये है हॉल नंबर 7, देखते हैं हमें हॉल नंबर 7 की। यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है एंड एप्पल जी का यहाँ पे लगा हुआ है 7 वहाँ पे है। एंड ये है हमारी एंट्री, ले ले ये एक और है। यहाँ पे 3 हॉल है 7 नंबर 3 हॉल है एंड हम 3 बजे जाएंगे। हम जा रहे हैं ए में वॉशरूम। तो है हॉल नंबर 1, यहाँ पे आपको डॉग सेट कैश काफ़ी सारा सामान मिल जाएगा, जो काफ़ी कंपनी यहाँ पे अपना एग्जीबिशन लगाया हुआ है। यहाँ पे एंड बहुत ज़्यादा चल रहा है यार, ठंड लग रही है तो हड्डियाँ काम गई। एंड ये माओ का है, माओ का ब्रांड है एंड ये कैडल किचन और एक बैटल किचन। बर्डीज का सेक्शन है, बर्ड्स के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे आइटम। भाई इसी तो मानना पड़ेगा। अकीरा है, ये टायो का स्टॉल है, टायो का काफ़ी सारा आइटम यहाँ पे है जो मैंने भी काफ़ी यूज़ करे हैं। टायो का काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है इनकी तस्वीर। देख सकते आप टेल ब्लू नाम से देख, ये बैठा कुत्ता। कौन सी भीड़ है बताए सर, कौन सी भीड़ है? शिरजू कहते ये कौन सा मीडिया बताओ। अरे कोई भी तक चंगी शैम्पू अपना सकते हैं, उससे शैम्पू कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। आप छोटा सा कॉटन का बॉल इवेंट के भी ईयर भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ईयर में कई बार डिपॉजिट्स आ जाते हैं। व्हाट इज दिस, दीज आर द रियल डॉग्स, यू सी दे आर रियल डॉग्स नॉट टॉयज। आई थिंक दिस इज वाइट वन इज पूडल। व्हाइट वन एंड ब्राउन वन आर फॉर डॉग्स के लिए कपड़े हैं, ये हमारे लिए कपड़े नहीं हैं, डॉग्स के लिए कपड़े हैं। आपको जैसे मिलेंगे वो लीच मिल जाएंगे आपको, कपड़े हैं, डॉग्स शर्ट्स भी हैं। ये सब क्या पैट्स ऑन बीच के लिए गाड़ी है, पैट्स इनका फ़ोन नंबर है, इनिशिएटिव ऑफ मैच करना है।
फॉर व्हाट अवर सर्विसेज, ये सर्विस क्या है ये देख लीजिए यार, दैट डूइंग प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सर्विस यू टॉकिंग यू आर पैट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड दिस इज पैट एंड केयर और दिस इज अ क्यूट डॉग, शाही है एंड ही हैज स्ट्रॉन्ग एंड ये तूने क्या ले लिया? हेलो थैला किस चीज़ का है यार? इसमें सामान रखेंगे हम ओके परी का थैला से उठा रहे हैं यार, आया है तो कुछ तो लेके जाएगा कौन दो? अरे वो थैंक यू। ये कौन से कॉकरोच है? ये कौन से कॉकरोच है बड़े? ये मैडागास्कर हिस्से हो अच्छा पाइसिस तो वहाँ का है शायद, मैंने देखा था कोलकाता का है वहाँ का। हाँ कोलकाता। हाँ हाँ मैं खुद का चैनल है और मैं हॉबीज भी हूँ। ओके बढ़िया। स्टिंगरे डिस्कस एंजल फिश रीड कर रहा हूँ। हमारी ये जो एलियम तो ये है पाइसिस का, ये मीलवॉर्म्स एंड स्पर्मवॉर्म्स सेल करते हैं, देख लीजिए आप। हमने यहाँ डिटेल दिए हैं इनको एंड ये डायरेक्टली हमें होम डिलीवरी करवा देंगे। ये सुपर वॉर्म चाहिए क्या क्या? 250 की 340 है ड्राई। ये भी लाइव बक्स है ना? सिगरेट है? टू बक्स इवाना भी खा लेता ही है ना? इवाना भी खा लेगा ही, डिफरेंट चीज है इसमें नहीं है, इसमें कुछ और है। वो रेड कॉकर वो जो इंडिया में पाई जाती है, इंडियन नहीं। यहाँ पे है कुछ सुंदर सुंदर एक्वास्केप खाना चाहूँगा। एक्वास्केप से एक प्लांटेड एक्वेरियम कितना ब्यूटीफुल लग रहा है एक्वास्केप। आई थिंक ये प्लांट असली है नकली है? आई थिंक ये नकली लग रहे हैं मुझे। ओके ये गैलेक्सी रास्पोरा लग रही हैं, ये गैलेक्सी रास्पोरास लग रही हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये एक्वास्केप्स, छोटे छोटे एक्वास्केप्स। फिशेज नहीं है आई थिंक, फिशेज हैं इसमें, देख सकते हैं पीछे आप। बच्चे भी काफ़ी उत्सुक होकर देख रहे हैं। यहाँ आपको दिखा जाए यह है फिश एक्वेरियम होम दिल्ली वाली शॉप, ड्राई आइटम्स लगा रखे हैं काफ़ी सारे। भैया डिस्काउंट कितने यहाँ पे? डिस्काउंट अभी अलग अलग है सब, हाँ अलग अलग प्राइस है। 15% तो है ना मिनिमम? आपने डाल रखा है? नहीं डाल रखा है, स्टोरी पे स्टोरी में डाल रखा है। आप तो है क्या ले सर, आप शॉप पे आते रहते हैं सर? मोस्ट वेलकम। हेलो भाई, आपको क्या प्राइस है सर? ये हैं यश भैया, फिश एक्वेरियम होम के ओनर। आई नीड टू चेक। यहाँ पे एक्वेरियम भी है डिस्प्ले पे एंड केजेस आप देख सकते हैं, और ये भी अच्छा डिस्काउंट भी दे रहे हैं यहाँ शॉप पे। काफ़ी कुछ आइटम्स रखे हैं यहाँ पे, यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ भी एक बड़ा ब्यूटीफुल है एक्वास्केप लगा है बट विदाउट एक्वेरियम, जस्ट डिस्प्ले के लिए। काफ़ी टेस्टी है। ये एक और एक्वास्केप है यहाँ पे रखा हुआ है बट यहाँ पे कोई है नहीं, हम तो क्लोजली देखते हैं। एंड में फिशेज कौन सी है? आई थिंक पास्का ही रेनबो फिश है। डिफरेंट टाइप्स के बॉल्स हैं, बड़े छोटे
हम देख सकते हैं इंडिया कुछ कॉस्ट से बोले थे पता नहीं, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं डिफरेंट शेप्स के आपके काफ़ी अलग हैं। बॉल माउंटेड बॉल्स, एक स्टॉल है श्री पद्मा एक्वा फ्लोरा का, यहाँ प्लांट्स ज़्यादा दिख रहे हैं और यहाँ एक्वा नेचर का स्टॉल लगा है, यहाँ पे ड्राई आइटम्स एग्जीबिशन शो कर रखा है उन्होंने। किस चीज़ की दवाई है वो यार, प्लांट फर्टिलाइजर्स हैं काफ़ी सारे, दवाई होगी क्वालिटी अच्छी है। हाँ यार कोर्स है ना, ज़्यादा पोरस है, ये गले का देर में है ना। इसे क्या प्राइस है इसका? अगर सिर्फ मीडिया चाहिए हो तो फिल्टर मतलब है कैनिस्टर, मीडिया आपको मेरे इस पे मिल जाएगी, यहाँ पर कुछ सेलिंग के लिए नहीं है लेकिन अच्छा। मीडिया एक तो 50 से वगैरह। वैसे आपका दिल्ली में है इसका आउटलेट? मुंबई में। अच्छा वहीं से हमें मेरा ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया डिलीवरी है। हमें ऑर्डर करना हो तो कैसे करेंगे? ऑर्डर करना हो हमें तो ऑर्डर करना हो तो आप मेरे वेबसाइट पे, ये पैम्पलेट रख लीजिए, इस पर वेबसाइट भी है, मेरे नंबर्स भी हैं उससे आप। आप वैसे अमेजोन वगैरह पे सेल करते हो? अमेजोन कैनिस्टर भी, कैनिस्टर सेल करते हैं? मेरा बनाया हुआ कैनिस्टर है। अच्छा कैनिस्टर बनाया हुआ है। अच्छा क्या मेड इन इंडिया? किसी ने किया हुआ नहीं है अभी तक, किसी ने तो डिस्प्ले किया हुआ है सर, ठीक है एक्वालाइजर का टैग है उसको। कैसा लगा फिल्टर? कितने का है इसका प्राइस? सबसे छोटा मॉडल 7499 का है, सबसे बड़ा मॉडल है, सबसे छोटा मॉडल अब तो 150 लीटर चलता है। तो ये एक बहुत अच्छा, आई डोंट नो क्या है, पैलेडेरियम है, टेरेनियम है, बट काफ़ी अच्छा है, मिस्ट भी निकल रही है ताकि प्लांट्स की ह्यूमिडिटी मिलती रहे। ये बाय है नेचर और नॉलेज, काफ़ी अच्छा बना रखा है, ये सारा रियल है, दे आर ऑल रियल प्लांट्स। देखने में नकली लग रहा है बट ये बिल्कुल रियल है। तो ये काफ़ी बड़ा एक्वास्केप है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, काफ़ी सारे काफ़ी रखे हैं। खड़ा हो एक बार, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है स्टेप है, पूरा पीछे तक बना रखा है, जहाँ तक आप देखेंगे सारे प्लांट लगे हुए, कोई खाली जगह नहीं है, काफ़ी बड़ा। तो ये है ग्रीन एक्वा का स्टॉल जो कि रोहिणी की शॉप है, ये दिल्ली की शॉप, काफ़ी ब्यूटीफुल टेरेनियम एंड एक्वा स्केप्स, पैसे करो ये हार्ड स्केप दिखाता हूँ आपको। क्लिप दिखाए ना एक बार यार, फोटो मिल जाए तो क्लिप की फोटो है तेरे पास? इतना अच्छा लग रहा है ये हार्ड स्केप जो से फ्लॉक सेट सैंड का बना हुआ है, क्लिप मिलेगी इनकी फुल वीडियो भी मैं एक बार डालूंगा कि शॉप का बनाने काफ़ी अच्छी शॉप बना रखी है, पूरा स्टूडियो बना रखा है। पानी है, हाथ लगाओ। एक्रिलिक शीट के लिए कॉर्नर्स आते हैं, कॉर्नर मिल जाएंगे स्टोर से, वो वाले हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए ऐसे वाले। कॉर्नर पे अगर लग जाता है ना तो उसके ऊपर वो आपका लेट जो है वो एक्चुअली 4 फीट का टैंक है, सिर्फ कॉर्नर पे लगाने से काम नहीं बनेगा, बीच में लगाने पड़ेगा। वो तो बनाया हुआ है, वो इंडियन क्लिप है वो। हाँ हाँ हाँ,
समझ गया, उसके अंदर सक्शन कप्स भी हैं, मैं समझ गया सर। उसको अगर उल्टा करते हैं तो वो ऐसे क्लिप लग जाएंगे चार छः जगह पर, उस पर अनलिट डांस पर लगाएंगे। तो हम देख रहे थे वो बड़ो कहीं मिल नहीं रहा, क्लिप ना मिल रही। मिल जाएगा, ये आरजीबी लाइट है इसका, छोटा वाला आपको ये 1600 का। ये देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल है, कितना है, काफ़ी छोटा टैंक है ये, आई थिंक 1 फीट का भी नहीं है, शायद 10 इंच का होगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से कुछ छोटा है, एक और ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छा वॉक थीम के साथ है। 3 बजे तक काम है सर, अभी भी आपने बहुत हेल्प किया सर मेरी, मेरे को देखता है मेरे हाथ से कितना छोटा लग रहा है, बट काफ़ी ब्यूटीफुल है। पूरा सेटअप आता है इसका, लाइट्स एंड ये वुडन प्लेटफॉर्म एंड ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का एक्वेरियम एंड ये हार्ट्स के में रॉक एंड सैंड है, और नीचे थोड़ा उठा हुआ आता है, काफ़ी अच्छी बिलिंग आती है इसकी, देख सकते हैं। ग्रीन पौधाली वो है, आप गूगल करिए ग्रीन एक्वा, आपको सारा कहीं से भी नेट पे सर्च करिए, आप मेरे को वो प्राइस बता दिए किसी भी सामान का, उससे कम नहीं मिलेगा। वी आर होल्डिंग अ कॉम्पिटिशन, स्कीपिंग कॉम्पिटिशन, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट यू कैन पार्टिसिपेट। आई डोंट नो एक्वा स्टेटस, नो प्रॉब्लम, दैट्स द रीजन आई हैव ओपनड अ सेंटर फॉर यू। सो इन गुड़गांव आई हैव ओपनड अ लर्निंग सेंटर वेयर वी टीच लर्निंग It's purely a learning center, it's not a shop or anything. It's a training center where we actually teach how to open, how to make a planted aquarium. We run a course there which is called the all-in-one planted aquarium starter kit course. And with that you also get the kit itself where we give you the aquarium, the filtration, the light and the soil and everything in it. That's a good thing. So everything that you see here, the additives and everything, plant, fish, is all part of the package. 22,500 is the course fee, which includes the cube, the 18 hours of training, 9 hours of training on the first day when you install. So how it works is, आपके पास है ना, ये कैसा है, क्या आएगा किट, तो जब आपके पास एक किट आ जाए तो उसके बाद या तो आप मेरे सेंटर, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हमें ला रहे हैं, तो ये सारे हमारे क्यूब्स हैं जो वहाँ पर हम लोग सिखाते हैं और वहाँ पर वो लोग बनाते हैं। अगर आप ये क्यूब लेते हैं तो फिर आप भी यहाँ पर आके सीख सकते हैं, और उसके बाद जो है वो घर पे, अगर आप नहीं तो वर्चुअली करना चाहते हो, मैं वर्चुअली ऑनलाइन सेशन भी लेता हूँ। तो शुरू के 9 घंटे होंगे, वो हम जो है वो वर्चुअली आपको देंगे या यहाँ देंगे ऑन द फर्स्ट डे जिस दिन सेटअप करते हैं। उसके बाद जो 9 घंटे की ट्रेनिंग होती है वो 14 डेज़ के बाद होती है, वो 14 डेज़ इसलिए बिकॉज हम लोग बैंक को साइकिल करते हैं 14 डेज़ के लिए, और फिर 14 डेज़ के बाद जो मेंटेनेंस वाला साइकिल है वो हम उसे बताते हैं। तो टोटल 18 आवर्स की ट्रेनिंग है, एक्वास्केपिंग है, एक्वास्केपिंग की ट्रेनिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक द हार्टस्केप, प्लांट्स के बारे में, फिश के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, जो नेट नेट एवरीथिंग। तो ये ट्रेनिंग के साथ ये किट आपको साथ में मिलती है, जिसके अंदर 35 कंपोनेंट्स हैं। एक एक कंपोनेंट को हम समझाते हैं ये क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है। तो इसका पूरा है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग हार्डस्केप बोलते हैं, जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है, जिसके अंदर हम एक ब्यूटीफुल स्केप बनाते हैं विद द यूज़ ऑफ ड्रिफ्टवुड एंड रॉक। तो उसी का एक छोटा सा कॉम्पिटिशन है, आपको 2 मिनट मिलेंगे, आपके पास ये लिमिटेड वुड है और ये लिमिटेड स्टोन है, आपको इसको यूज़ करना है 2 मिनट के अंदर, जो भी आप बेस्ट क्रिएटिव यहाँ पर लगा सकते हो आप बनाओगे कुछ कहते हैं। जब आप ये बना लोगे उसके हम लोग फोटो है भेजेंगे, एक पैनलिस्ट है जो उसको रिव्यू करेंगे, जो बेस्ट होगा उनको प्राइज मिलेंगे। बताइए, यहाँ पर एक 6 साल की लड़की ने एक्वास्केप किया, मैं आपको बताऊँ उसने इतना अच्छा किया कि आप लोग ऐसे देख रहे। तो मतलब देखो क्रिएटिव इज लाइक क्रिएटिविटी होगी, वो नहीं है इसके अंदर। यू वांट टू स्टार्ट, कम ठीक है, स्टार्ट ओके श्योर। सो योर टाइम स्टार्ट। अच्छा, वन थिंग, लिमिटेड चीज़ें हैं, स्टोन है, बट अगर स्टोन ग्लास से टच होगा यू आर डिस्क्वालीफाइड, तो आपको ये सेंटर में ही रखना है, ठीक है, स्टार्ट। This is the best I can do, but this is beautiful. Go ahead, first attempt. It's a good. आप सामने से ले लो. I don't think it's a good scale. No, it is a beautiful scale.
तो आपका ये मेन सेंटर गुड़गांव में ही है? हाँ जी। यू कैन पुट योर नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इफ़ यू हैव अ प्लांटेड एक्वेरियम, व्हाटएवर यू जस्ट मेंशन, क्वेरी में जस्ट पुट कंपटीशन, ओके, एंड देन ऐड फाइल में जाके, ब्राउज में जाके लास्ट, ये आप मुझे दे देना ऐड फाइल वाले। तभी तो एग्जीबिशन लगाया है कि लोगों को पता चले क्या क्या हो रहा है आजकल पेट इंडस्ट्री में। तभी तो इतना बड़े बड़े एक्टर्स बना पाते हैं लोग। ब्रांच रिम ब्रांच रिम होते हैं, हैच करते हैं छोटे मिलते हुए। सो दिस इज आर्टेमिया, काफ़ी टाइम से देख रहा था। ये न्यू बॉर्न बेबी से देखने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, इन्हें हैच करना पड़ता है, 24 घंटे हैच करना पड़ेगा, एंड से फिर छोटे न्यूली बॉर्न प्राइस को दे सकते हैं। ब्यूटीफुल टैंक है ये, बेसिकली साल्ट वाटर टैंक होता है, लाइट सब रहता है, लाइट नहीं चलती है, काफ़ी बड़ा टैंक है। पता नहीं ये तो कवर कैसे करा है, एक बार ये देखना है ढंग से। चलो पर एक टैंक है, इसमें आर्टिफिशियल पूरा है, ये असली नहीं है। वो आपको पर्सनली करना पड़ेगा। ये जो है इसका छोटा सा नायलॉन का रॉड आता है, अच्छा एक्रेलिक रॉड डाल के रख देंगे अंदर, फिर लॉक हो, हाँ फिर हो जाएंगे, हाँ फिर हो जाएंगे, वजन बढ़ जाएगा, हाँ फिर वो ही नहीं। अच्छा एक बार इन्हें क्लिप दिखा हुआ, क्लिप मिल जाती क्या? एक्चुअली फुटेड ही देखने से ब्रेसिंग नहीं लगी। हाँ जैसे डबल टैंक है तो कंपनी है यार, वो देख रहे कितना मोटा कहाँ ऐसे है, क्वालिटी देखना। दिस कैन एक्वेरियम बाहर की होगी? हाँ अच्छा बनाइए, काफी अच्छा है, एक्वास्केप लग रहा है। कौन सी रॉक्स है वो भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। एक और अच्छा से दिखाता हूँ आपको इसके बगल में ही, ये देखिए इसके भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पत्थरों में क्या दिखाया आपने? रोज गार्डन। अच्छा रॉक गार्डन, रोज गार्डन। कितना क्यूट डॉग लग रहा है ये, पीछे बल सिल्की हेयर है इसके। कौन सी पीड़ है बता? कौन सी? ये कौन सी पीड़ है?
अभी आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरा बिल्कुल मत चाहिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक्सक्यूज मी, कौन सी बिल्ली है? पर्शियन कैट। पर्शियन कैट डॉल फेस? हाँ डॉल फेस।